बीजेपी का जो कैरेक्टर है कंप्लीट रूप से नफरत का, सोसाइटी बांटने का, डर का, मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं, नफरत और डर पैदा करिएगा तो हम बड़ी कठोर चुनौती स्वीकार करेंगे और फिर नफरत का आधार के लिए पप्पू यादव से लड़ना हो। इसलिए हम 23-24 तक इंतजार करेंगे आपके आचरण का और उसके बाद 2024 का एजेंडा सेट करने हम आपको नहीं देंगे कोशिश हिमाचल। उसके लिए पप्पू यादव को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, लेकिन समाज बांटने का राइट बीजेपी को और आरएसएस को नहीं, जो लगातार हो रही। मैं हिंदी भाषी इलाके के क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि हमको साउथ इंडियन से सीखना चाहिए, हमको नॉर्थ से सीखना चाहिए कि वो नफरत करने वाले और डर पैदा करने वाले को कभी प्रवेश करने नहीं दिया। वो विकास का आधार है नॉर्थ का और हमारा आधार जाति या धर्म मजहब का हो जाता है। लोगों के भीतर शंका बनी हुई है सीमांचल कोसी में, आम लोग दहशत में है अमित शाह के डेट से, डरे हुए हैं क्या करेंगे क्या बोलेंगे, कहां समाज को तोड़ देंगे, कहां दंगा पैदा करेंगे। एक सेंसेसनेस क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, तो ये मेरे लिए तो गंभीर विषय है। कहीं हम सफर या बड़ी लंबी दूरी का कोई भी ट्रेन जिसको पप्पू यादव ने हम सफर को शुरू किया था, वैशाली ट्रेन भी पप्पू यादव जबरदस्ती ला करके शुरू किया, अन्य कई ट्रेनें हमने शुरू की थी। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब एमपी एमएलए मंत्री सो जाएगा, जब हम लड़ना और आवाज देना खत्म कर देंगे और सड़क सुनी हो जाएगी तो सरकार तो बर्बर होगा ना, हो ना जनता लड़ना चाहती है ना प्रतिनिधि। आम जनता की सुविधा छीनने की औकात भारत सरकार को बाप जिंदगी में नहीं हो सकता। और यदि भारत सरकार लगातार कोसी सीमांचल के साथ वैसे ही बिहार के साथ सोतेलेपन का व्यवहार है इसका, और लगातार हमारी सुविधा पर हमारे पीठ पर लात मारते जा रही है, हम बहुत आग्रह करेंगे इस इलाके के कई जो सांसद हैं पूरा सीमांचल कोसी की कि आप एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिलें, रेल मंत्री से या सदन में आप इस मुद्दे को उठाएं कि आप सबसे ज्यादा पंजाब जाने वाला, साउथ जाने वाला जो ट्रेन था जिससे कोसी सीमांचल का सफर सबसे ज्यादा था, दिल्ली आने वाला, आपने उस ट्रेन को खत्म कर दी। तो मैं आपको वचन देता हूं कि हम एक सप्ताह के अंदर पार्टी के सारे साथियों से बैठकर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मंत्रालय के द्वारा धरना प्रदर्शन और फिर जरूरत होगी तो भारत सरकार के रेल रोको आंदोलन का भी हम काज करेंगे कि आप हमसे मेरा राइट नहीं छीन सकते।